जी हाँ, आइए दोस्तों, आज आपको दिन भर की कोरोना वायरस को लेकर क्या तमाम ब्रेकिंग न्यूज अपडेट और हेडलाइंस न्यूज रही वो बताने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। जी हाँ, कोरोना वायरस को लेकर आज दिन भर मीडिया में और सुर्खियों में क्या चर्चाएं रही। भारत सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर आज जनता कर्फ्यू भी रखा था, आपको पता होगा, और उस जनता कर्फ्यू के तुरंत बाद ही आज पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एक और बड़ा भयंकर फैसला भी लिया। क्या है वो भी आपको बताएंगे। ये आम आदमी के लिए जानना जरूरी है, देश के प्रत्येक नागरिक के लिए भी जानना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों, देश से संबंधित और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोरोना वायरस को लेकर क्या खबरें चल रही है वो भी जानेंगे। एक एक करके तमाम हेडलाइंस न्यूज को आपको बताएंगे। 15 बड़ी खबरें और बड़े अपडेट्स आपको बताने जा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट के अपडेट की तरफ ले चलते हैं, तो आप देख पा रहे बड़ी खबर लाइव कोरोना वायरस इंडिया एंड वर्ल्ड न्यूज। भारत के 75 जिलों में दोस्तों लॉकडाउन कर दिया गया है। 31 मार्च तक ट्रेनें, बसें, मेट्रो सब कुछ बंद रहेगा। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जनता कर्फ्यू के बाद मोदी सरकार का एक और भयंकर फैसला है कोरोना वायरस को लेकर, देख पा रहे। अच्छा, थोड़ा डिटेल में इस खबर को आपको बाद में बताएंगे, पहले कुछ हेडलाइंस न्यूज बता देते हैं। देख पा रहे एक और अपडेट की राजस्थान के इतिहास में पहला लॉकडाउन रहा है। सावचेत रहनो ही ये बीमारी को इलाज है, ध्यान रख जो है पूरा भिलवाड़ा आइसोलेटेड कर दिया गया। 27 मार्च तक दोस्तों 30 लाख लोगों की स्क्रीनिंग होगी। देश में जो नजारा शाम को होगा वह भिलवाड़ा में एक दिन पहले दिख चुका था। इसके अलावा एक और बड़ा अपडेट देख पा रहा हूँ की बिहार और महाराष्ट्र में एक एक और मौत हो चुकी है कोरोना वायरस के चलते। उड़ीसा में भी 29 मार्च की रात 9 बजे तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। 29 मार्च तक उड़ीसा पूरे राज्य में लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, कोरोना वायरस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। कोरोना वायरस को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर निशाना भी साधा गया। क्या कहा, राजनीतिक चर्चाएं वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल हेडलाइंस न्यूज देख पा रहे कि कोरोना लॉकडाउन। चीन ने दोस्तों कोरोना वायरस का पहला केस आने के बाद ठीक 24 दिन बाद और इटली ने ठीक 39 दिन बाद लॉकडाउन कर दिया गया था। भारत में 50 दिन बाद भी अभी तक भी पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं हुआ। हालांकि दोस्तों, मोदी सरकार ने लॉकडाउन की जगह एक अलग चीज का इस्तेमाल किया और वो था जनता कर्फ्यू, जो कि आज रखा गया, अभी भी चल रहा। जनता कर्फ्यू को लेकर देश में क्या माहौल चल रहा है ये आपको एक अलग से न्यूज अपडेट वीडियो में डीएलएस न्यूज के ऊपर बता देंगे। लेकिन सरकार पूरी कोशिशें जरूर कर रही है, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों, देख पा रहे एक और बड़ा अपडेट है। कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 13,000 के पार पहुंच चुकी है। 35 देशों में लॉकडाउन है। अभी तक दुनिया भर के अंदर कोरोना वायरस का लाइव अपडेट जा रहा है, उसके तहत 35 देशों में पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया और मरने वालों की संख्या 13,049 लोगों तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा कोरोना वायरस को लेकर वैज्ञानिकों ने एक दावा किया कि वुहान में कम मृत्यु दर का अंदेशा है। जहां कोरोना वायरस के संक्रमण से मृत्यु दर को लेकर एक नई जानकारी जो सामने आई है उसने दुनिया भर को चौंका दिया। क्या कहीं चीन हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहा दोस्तों, क्योंकि ये डेटा और आंकड़ा जो बताता ना ये वाकई में चौंकाने वाला है। इस बीमारी के केंद्र यानी कि शुरुआत ही जहां से हुई चीन के वुहान से, वहां पर आंकड़ों के अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों ने दावा किया कि वहां मृत्यु दर 1.4% ही रही, जबकि पहले WHO ने विशेषज्ञों के जरिए 3.4% होने का दावा किया था। लेकिन नए अध्ययन में दावा किया गया दोस्तों कि इसमें उन लोगों को शामिल नहीं किया गया था जिनमें बीमारी के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बाद में उनके संक्रमण की पुष्टि होती है। और ऐसे मौके पर जब पूरी दुनिया इस बीमारी से जूझ रही है तो ये खबर थोड़ी राहत प्रदान करने वाली जरूर है, लेकिन इसमें एक शंका ये भी पैदा होती है दोस्तों कि कहीं ना कहीं चीन के अंदर इस बीमारी का तोड़ तो नहीं बन गया और चीन दुनिया से कुछ छुपा तो नहीं रहा, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है। क्योंकि दोस्तों, जब शुरुआत ही चाइना से हुई तो सबसे ज्यादा मौतों की संख्या चाइना में नहीं बल्कि दूसरे देशों में है। सबसे ज्यादा रिकवर होने वालों की संख्या चाइना में है, ना कि दूसरे देशों में। ये अपने आप में एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है। हालांकि देखते हैं अब वैज्ञानिक इस पर क्या रिसर्च करते हैं, हम आपको जरूर बताते रहेंगे डीएलएस न्यूज के ऊपर। फिलहाल एक और हेडलाइंस न्यूज देख पा रहा हूँ कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 31 मार्च तक कोरोना वायरस की वजह से देश भर की कोई भी ट्रेन नहीं चलेगी। भारतीय रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया, ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा कोरोना वायरस को लेकर लाइव अपडेट देख पा रहे दोस्तों की साउथ अफ्रीकी क्रिकेट टीम भी उसी होटल में ठहरी थी जहाँ कनिका कपूर ठहरी थी, और ऐसे में अब साउथ अफ्रीकी क्रिकेट टीम पर भी ये खतरा मंडरा रहा। अच्छा, साथ ही एक और बड़ा बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट देख पा रहे दोस्तों की ग्रेटर नोएडा में भी मिला कोरोना का एक मरीज। Alpha 1 की सभी सोसाइटी और ब्लॉक को सील कर दिया गया। और एक हेडलाइंस न्यूज देख सकते हैं, कोरोना वायरस को लेकर राजस्थान और पंजाब के बाद उड़ीसा में भी लॉकडाउन कर दिया गया। इसके अलावा बिहार में कोरोना से पहली मौत हो चुकी है। 38 साल के सेफ ने एम्स में आखिरी सांस ली है। और एक लाइव अपडेट देख सकते हैं, तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामले, देश में अब तक टोटल 370 पॉजिटिव केस सामने देखे गए। इसके अलावा कोरोना वायरस को लेकर पाकिस्तान को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको एक अलग से छोटे से नन्हे से सेपरेट वीडियो में बता देंगे। फिलहाल इन्हीं खबरों को थोड़ा विस्तार से जाने दोस्तों। तो आज केंद्र की मोदी सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर एक भयंकर फैसला जो लिया, उसके तहत दोस्तों भारत सरकार ने देश भर के अलग अलग राज्यों के 75 जिलों में बिल्कुल लॉकडाउन के आदेश दे दिए। 31 मार्च तक इन जिलों में ट्रेन, बस, मेट्रो सेवाओं पर रोक लगा दी है और देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 6 तक पहुंच गया। 6 लोगों की जान जाने की खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में जहां 63 साल के एक मरीज ने बीती रात ही दम तोड़ दिया, वहीं बिहार में भी एम्स के अंदर एक 38 साल के व्यक्ति की बीती रात मौत हो गई। वहीं भारत में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। आज दोपहर 2:30 बजे तक देश में कुल 370 मरीजों की कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है। और इसी बीच देश भर में 31 मार्च तक सभी ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया। भारतीय रेलवे के मुताबिक दोस्तों, 31 मार्च तक सभी यात्रियों को ट्रेन टिकट बुक नहीं करने और ट्रेनों में यात्रा नहीं करने
करने की सलाह दी गई है। इसी बीच देश के 3 राज्यों में पूरी तरह से लॉकडाउन के आदेश दे दिए गए। आज पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी 31 मार्च तक पूरे राज्य में लॉकडाउन का आदेश दिया है। राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें दोनों ही अपनी अपनी जगहों पर मिलकर पूरी तैयारियां जरूर कर रही है। ये बात कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, चाहे दोस्तों वो सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो। इसी बीच हमको खुद को भी सावधानी रखने की जरूरत है। और सबसे अच्छी बात तो ये दोस्तों कि आपने जो आज देश भर में जनता कर्फ्यू का जो स्वागत किया और उसका सम्मान किया, जनता कर्फ्यू को सपोर्ट किया, उसके लिए तहे दिल से आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, इसके अलावा बड़ा अपडेट देख पा रहे दोस्तों कि इटली में फंसे हमारे भारत के 263 छात्रों को एयर इंडिया की एक विशेष फ्लाइट की मदद से भारत लाया गया और सभी को हवाई अड्डे पर थर्मल स्क्रीनिंग और इमिग्रेशन के बाद ITBP छावला क्वारंटाइन फैसिलिटी में ले जाया जा रहा। इटली में एक दिन में 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ये आंकड़ा वाकई में दुनिया भर में बहुत ही खतरनाक आंकड़ा है इटली का। इस खतरनाक संक्रमण से दुनिया भर में अब तक 13,000 लोगों की जान जाने की खबर सामने आ रही है, जबकि 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। इसी बीच जैसा कि हमने आपको बताया दोस्तों कि राजनीति भी छिड़ चुकी है इस पर, तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से मांग की है कि कोरोना वायरस के मामलों की चिकित्सा जांच का दायरा बढ़ाया जाए और साथ ही उन्होंने छोटे एवं मझले कारोबारियों और किसानों एवं कामगारों के लिए राहत पैकेज की घोषणा करने की भी मांग की है। सोनिया ने एक बयान में कहा कि मास्क, सैनिटाइजर और खाने पीने की वस्तुओं की बाजार में सुचारू ढंग से आपूर्ति बनाए रखी जाए। सोनिया ने कहा कि 130 करोड़ लोगों के देश में अब तक सिर्फ 15,071 लोगों की जांच किए जाने की जानकारी सामने आई है। पर्याप्त समय और अन्य देशों की शुरुआती चेतावनियों और सबक के बावजूद हमने अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल नहीं किया, इसे हमें बदलना होगा और सरकार कहीं न कहीं दोस्तों इसे बदलने की पूरी कोशिश भी कर रही है, तभी तो आज देश भर में जनता कर्फ्यू रखा गया। लेकिन ये तो राजनीतिक चर्चाएं चलती रहती है, कुछ ये चीजें भी सही है और कुछ वो चीजें भी सही है। एटलीस्ट हमें सावधानी रखनी ही पड़ेगी, तभी हम इस कोरोना वायरस से लड़ पाएंगे। आप खुद ध्यान रखें, अपने खुद का, परिवार का, दोस्तों मित्रों का और देश का। देश की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, ध्यान रखिएगा। जनता कर्फ्यू के समय घर से बाहर ना निकले तो बेहतर है। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट देख पा रहे हैं दोस्तों कि कोरोना से मरने वालों की संख्या 13,000 पार पहुंच चुकी है दुनिया भर में। ताजा आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस से 13,049 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा लोगों की मौतें यूरोप में हुई है, यहाँ पर 7,199 लोग अभी तक इस बीमारी से शिकार हो चुके हैं। एशिया में 3,459 लोगों की मौत हो चुकी है। इटली में लगभग पिछले 24 घंटों के दौरान ही 800 से ज्यादा लोगों की मौत होने की खबर सामने है। फ्रांस में पिछले 24 घंटों के दौरान 112 लोगों की मौत इस कोरोना वायरस की वजह से हुई है। अच्छा, साथ ही नेक्स्ट अपडेट देख पा रहे दोस्तों कि कोरोना वायरस को लेकर वैज्ञानिकों का दावा है वुहान से कम मृत्यु दर का अंदेशा रहा। जैसा कि हमने आपको बताया दोस्तों कि जब शुरुआती केंद्र ही चाइना रहा, तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता कि आखिर सबसे कम मौतें चाइना में कैसे रही और सबसे ज्यादा रिकवर रेट ही चाइना में कैसे रही। ये तो वो वाली बात होगी दोस्तों कि हमारे पास चुपके से ऐसी कोई चीज है जिनसे हम इस चीज को कंट्रोल कर रहे हैं और हम दुनिया को नहीं बता रहे। ये अपने आप में सवाल खड़ा होता है। हालांकि WHO की तरफ से ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है, सिर्फ एक इमेजिनेशन है जो कि फैक्ट और आंकड़ों के अकॉर्डिंग हम खुद लगा सकते हैं। बाकी आप खुद इस चीज पर कंपैरिजन कीजिए और बाकी WHO की तरफ से जब कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे इस कोरोना वायरस की दवाई मिलने को लेकर या और किसी को लेकर। इसके साथ ही दोस्तों फिलहाल नेक्स्ट अपडेट देख पा रहे कि यात्रीगण ध्यान दें और भारतीय रेलवे ने 31 मार्च तक कोरोना वायरस की वजह से कोई भी ट्रेन नहीं चलाने का फैसला लिया है। 31 मार्च तक पैसेंजर ट्रेनों की सेवाएं बंद रहेगी। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए इंडियन रेलवे की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। 31 मार्च 2020 की रात 12 बजे तक रेलों का परिचालन बंद रहेगा। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे राजस्थान पंजाब के बाद उड़ीसा में भी लॉकडाउन कर दिया गया। कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के चलते राजस्थान राज्य, पंजाब राज्य और उड़ीसा राज्य, इन 3 राज्यों के सरकारों ने पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया। राजस्थान और पंजाब में 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन रहेगा, जबकि उड़ीसा में यह लॉकडाउन 29 मार्च की रात 9 बजे तक के लिए किया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा जारी आदेश के मुताबिक राशन, सब्जी और दवा की दुकानों के अलावा सब कुछ बंद रहेगा। इस आदेश में कहा गया कि शहर के अंदर बस, टैक्सी और ऑटो भी नहीं चलेंगे। इससे पहले राजस्थान लॉकडाउन की ऑलरेडी घोषणा करने वाला पहला राज्य बन चुका है। तो राज्य सरकारें अपने अपने लेवल पर अच्छा फैसला ले रही है, ये तो अच्छी बात है। आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि आखिर ये लॉकडाउन क्या होता है, तो हम आपको बता दें लॉकडाउन एक तरह की इमरजेंसी आपातकाल व्यवस्था होती है। अगर किसी क्षेत्र में लॉकडाउन हो जाता है ना, तो उस क्षेत्र में लोगों को घरों से निकलने की अनुमति भी नहीं होती है। जीवन के लिए आवश्यक चीजों के लिए ही घर से बाहर निकलने की अनुमति होती है। जैसे कि अगर किसी को दवा या अनाज की जरूरत है तो ही घर से बाहर निकला जा सकता है, या फिर हॉस्पिटल और बैंक के काम के लिए अनुमति मिल सकती है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल के काम से भी घर से बाहर निकलने की अनुमति होती है, बाकी घर से बिना काम आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी लॉकडाउन में ऐसा भी होता है दोस्तों कि उस राज्य की सीमा को पूरी तरह से लॉक कर दिया जाता है, प्रोटेक्टेड कर दिया जाता है। उस एरिया में ना तो कोई बाहर से आदमी आ सकता है, ना ही उस एरिया से बाहर कोई आदमी जा सकता है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं रहती है, इमरजेंसी सिचुएशन के अलावा कोई भी बाहर आ जा नहीं सकता। तो इस तरह से देश में अभी तक 3 राज्यों में लॉकडाउन हो चुका है। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट देख पा रहे, अब तक देश में टोटल 370 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं, हाल ही के ताजा आंकड़े जो आ रहे उसके अकॉर्डिंग। और बाकी दोस्तों व्यापारियों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपील का समर्थन किया और जनता कर्फ्यू तो केवल आज ही रहा, लेकिन इसको 3 दिन तक व्यापारियों ने, केट ने यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स जो है व्यापारियों का समूह है, उसने 3 दिन तक दिल्ली के प्रमुख बाजारों को बंद रखने का ऐलान किया था, जिसमें आज दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन रहेगा। दिल्ली में शनिवार को लगभग 15 लाख छोटे बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 दिन पहले अपने राष्ट्र को दिए संबोधन में आग्रह किया था कि आगामी कुछ दिनों के लिए सभी लोग अपने घर से काम करें, यानी कि वर्क एट होम, वर्क फ्रॉम होम वाली सुविधा शुरू करें, कंपनियों को भी
आ गया और कोरोना के सामूहिक संक्रमण होने से बचे। अभी तक दोस्तों कोरोना वायरस जो हमारे भारत में सेकंड स्टेज पर है, सेकंड स्टेज का मतलब ये होता है दोस्तों कि अभी तक कोरोना वायरस जो है मतलब बाहर से आए लोगों से कुछ लोगों में ही फैला। जब ये थर्ड स्टेज तक पहुंच जाता है दोस्तों तो थर्ड स्टेज का मतलब होता है उन कुछ लोगों से उनके परिवार वालों तक, उनके दोस्तों तक और उनके दोस्तों से उनके अनजान लोगों तक भी फैल जाता है। तो वो थर्ड स्टेज आता है जब थर्ड स्टेज किसी देश में किसी महामारी को लेकर प्लेग को लेकर आ जाती है ना, तो वो देश पूरा एक आपातकाल अलर्ट में आ जाता है, इमरजेंसी में आ जाता है और फिर उस पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी तक हमारे देश में कोरोना की स्टेज सेकंड स्टेज ही है और ऐसे में हम सभी मिलकर अगर चाहे तो इस पर नियंत्रण पा सकते हैं। इसीलिए आप भी जरूर सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें और देश को बचाने में अपनी भूमिका निभाएं। ये पूरे हिंदुस्तान के लिए, भारतवासियों के लिए, सभी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। ना सिर्फ आपके लिए दोस्तों बल्कि आपके आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए भी ये चीज फायदेमंद ही होगी। पूरी दुनिया इस पर नियंत्रण लगाने के लिए अलग अलग तरह के लॉकडाउन वगैरह सिस्टम चला रही है और ऐसे में हमें भी उनका साथ देना चाहिए क्योंकि दोस्तों पूरी मानव सभ्यता के लिए, मानव साथ ही के लिए ये सारी सिचुएशन जरूरी है। इसलिए आप दिल से इनका सपोर्ट करें और ना तोड़े इन नियमों को, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें, मास्क और सैनिटाइजर का जरूर यूज करें, अपनों का, अपने परिवार का, सबका ख्याल रखें। वैसे आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि अभी आपके राज्य में क्या हालात चल रहे हैं, कौन से राज्य में रहते हैं आप और आपके राज्य में अभी कोरोना को लेकर क्या हालात चल रहे हैं कमेंट में बताइएगा। दिल से इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर और साथ ही अगर आप DLS न्यूज पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको तमाम बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस, न्यूज अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंदुस्तान।